एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ? हर दिन एक फेमस टॉपिक का फुल फॉर्म और उसके बेसिक लेकिन इम्पोर्टेंट डिटेल्स की भी जानकारी, ताकि आप उस टॉपिक को कभी ना भूलें, के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। एनजीओ का फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। एनजीओ को ही हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या सिविल सोसाइटी भी कहते हैं। एनजीओ का काम सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के सोशल और पॉलिटिकल बेहतरी के लिए जरूरी कदम उठाना है। जैसे कि एनजीओ बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा पर काम करते हैं, आम लोगों की मदद करते हैं। बहुत सारे एनजीओ औरतों के अधिकारों के लिए काम करते हैं। वह औरतों को आर्थिक मदद और कई बार कानूनी मदद भी मुहैया करवाते हैं। कई एनजीओ वृद्ध लोगों के लिए काम करते हैं और उनको वृद्धावस्था में रहने की जगह, खाना और उनके स्वास्थ्य की देखरेख करते हैं। वहीं कई एनजीओ एनवायरमेंट के क्षेत्र में भी काम करते हैं और कई तरह से लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। कोई भी एनजीओ या तो एनजीओ बनाने वाले लोगों के पैसे से, या आम लोगों के दान से, या सरकार और कंपनियों के दान से चलती है। किसी भी एनजीओ को दिए गए दान राशि पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80G के तहत इनकम टैक्स में छूट मिलती है। कई ऐसे काम जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे पाती है, या तो एनजीओ करते हैं या सरकार एनजीओ की मदद से करती है। इसीलिए आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में एनजीओ के द्वारा किए जा रहे काम का बहुत महत्व है। अगर कोई व्यक्ति एनजीओ बनाकर लोगों की मदद करना चाहे, तो उसके लिए उसे कई अन्य लोगों को भी साथ में लेना होगा। कुछ फेमस अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ की बात करें तो रेड क्रॉस, ब्राक, सेव द चिल्ड्रेन प्रमुख हैं। वहीं भारत के कुछ सबसे फेमस एनजीओ की बात करें तो अक्षया ट्रस्ट, उदय फाउंडेशन, विंग ह्यूमन, स्माइल फाउंडेशन, गूंज, रोशनी, सम्मान फाउंडेशन, उदय फाउंडेशन आदि प्रमुख हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।